हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्टोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। तो सर, मदरहुड का मतलब क्या होता है? मातृ प्रेम होता है। तो सर ये समझा रहे थे कि सर ये जो हमारा नेशन है ये क्या है, ये हमारी माँ है। मतलब सर जो जर्मनी है उसको मदरलैंड बताया जा रहा था। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। अब सर जब बात करते हैं हम चिल्ड्रंस की, तो सर जो जर्मनी में जो जर्मन्स थे, जो नाजीजम था ना, उसने क्या किया था, उसने टारगेट किया था बच्चों को, ताकि सर जो ब्रेन वॉशिंग है ना वो उनकी की जा सके, उनको ये बताया जा सके कि सर आपका जो भी लॉयल्टी है वो किसके लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ नाजीजम के लिए, आपके जर्मनी के लिए है। और साथ ही साथ एक जो चिल्ड्रन है, एक जो बच्चा है, उसको कैसा होना चाहिए अगर वो मैन है, और अगर एक वो वुमन है तो उसे वो कैसा होना चाहिए। और ऐसे में बच्चों को ये समझाया जाता था कि सर जो मैन है वो वुमन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स एवरीवेयर वॉज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। और उन लोगों का ये मानना था कि सर जो मैन और जो वुमेन के जो इक्वल राइट्स के ये मूवमेंट चल रहे हैं ना ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ये सभी क्या है, गलत है, और ये सब क्या करने जा रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। फिर ऐसे में व्हाइल बॉयज वर थॉट टू बी एग्रेसिव मस्कुलाइन एंड स्टील हार्टेड, गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। तो सर जो बच्चे होते थे, जो बॉयज होते थे ना, उनको समझाया जाता था कि सर बॉयज कैसे होते हैं, बॉयज एग्रेसिव होते हैं, बॉयज मस्कुलिन होते हैं, स्टील हार्टेड होते हैं। जबकि जो गर्ल्स होती थी उनको ये समझाया जाता था, उनको ये पढ़ाया जाता था कि सर जो गर्ल्स हैं वो एक अच्छी मदर कैसे बन सकती है, कैसे वो अपने जो प्योर ब्लड है उसको वो मेंटेन करके रख सकती है। फिर हम आगे चलते हैं, गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूस, लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज। तो सर जो गर्ल्स थी ना उनको ये समझाया जाता था, सिखाया जाता था कि सर आपको जो ज्यूज है, ज्यूज कम्युनिटी से दूर रहना है। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर कोई आर्यन है तो सर वो ज्यूज के साथ शादी नहीं कर सकता, उसके साथ किसी भी तरीके के मैरिटल अफेयर्स में वो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सर इससे जो रेस है, रेस खराब हो सकती है, क्योंकि जो ज्यूज है वो क्या होते हैं, ज्यूज एक इम्प्योर रेस होते हैं, ऐसा उनका मानना था। वो अनडिजायरेबल होते हैं सोसाइटी के लिए, और ऐसे में सर जो ज्यूज है उनको पूरी सोसाइटी से ही बाहर निकालना होगा। तो उसके लिए सबसे जरूरी यही था कि सर उनको सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट से उन्हें अलविदा कह दिया जाए। फिर हम आगे देखते हैं कि सर जो गर्ल्स थी ना उन गर्ल्स को सिखाया जाता था कि सर उन्हें घर का कैसे ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों को कैसे समझाना चाहिए, उन्हें कैसे उन्हें नाजी वैल्यूज का बताना चाहिए कि सर ये नाजी वैल्यूज होती है बच्चों, इन बच्चों इन नाजी वैल्यूज को आपको फॉलो करना है। दे हैड टू बी द बियर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। तो सर उन्हें बताया गया क्या, एक बियर्स बताया गया। क्यों? क्योंकि सर जो आर्यन है, आर्यन का जो कल्चर है, जो उनकी रेस है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, वो सर गर्ल्स के ऊपर डिपेंड करा करती थी। इन 1933 हिटलर सेड, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। तो सर जो हिटलर था ना उसने 1933 में ये कहा था कि सर जो मेरे स्टेट की मदर्स है ना वो हमारे स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिटीजन है। पर जब हम बात करते हैं नाजी जर्मनी की, तो सर नाजी जर्मनी के अंदर वुमेन्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। फिर हम आगे देखते हैं, वुमन वो बोर रेशियल अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड एंड दोज वो प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। तो सर अब क्या किया जाता था कि जो वुमेन्स जो है वो रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को अगर वो बर्थ देती थी तो सर उन्हें पनिश किया जाता था, और जो वुमेन्स है ना रेशियली जो है उनका डिजायरेबल जो चिल्ड्रन है उसको अगर वो बर्थ देती थी तो वो उन्हें क्या किया करते थे, रिवॉर्ड किया करते थे, उन्हें अवार्ड दिया करते थे, ताकि सर सोसाइटी के अंदर ये बताया जा सके कि सर हमें क्या नहीं करना है, सर हमें रेशियली अनडिजायरेबल जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उसको आगे तक सपोर्ट नहीं करना है, उसे किसी भी तरीके से हमें अपनी सोसाइटी के अंदर आने नहीं देना है। दे वर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल एंड वर ऑल्सो एंटाइटल टू कंसेशन इन शॉप्स एंड ऑन थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। तो सर जो वुमन्स होती थी, जो कौन प्रोड्यूस करती थी, जो क्या प्रोड्यूस करती थी, जो रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करती थी, मतलब सर उन्हें बर्थ देती थी, तो सर उन्हें ना फेवर ट्रीटमेंट मिलाता था हॉस्पिटल्स में, और इसी के साथ साथ उन्हें किसी तरीके के कंसेशन भी मिला करते थे, और साथ ही साथ उन्हें थिएटर टिकट्स रेलवे फेयर्स भी उन्हें मिला करते थे, उन्हें एक कंसेशन दिया जाता था, ताकि सर ज्यादा से ज्यादा जो है ना गर्ल्स जो है, जो वुमन्स जो है, उन्हें
बताया जा सके कि हमें रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रंस को क्या करना है, बर्थ देना है। फिर हम आगे देखते हैं टू एनकरेज वुमन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन होना क्रॉसेस वर अवॉर्डेड। जो वुमन है ना मैनी चिल्ड्रंस को बर्थ दिया करती, मतलब बहुत सारे बच्चों को बर्थ दिया करती थी, उन्हें है ना हॉनर ऑफ क्रॉसेस दिया जाता था, उन्हें अवॉर्ड किया जाता था। अब ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर। तो सर आप ये समझ सकते हैं कि सर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, मेडल्स दिए जा रहे हैं, अगर किसी भी वुमन के 4 चिल्ड्रंस होते थे तो उन्हें ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था, जिस भी मदर के लगभग लगभग 6 चिल्ड्रन होते थे उन्हें सिल्वर क्रॉस दिया जाता था, और साथ ही साथ जिन वुमन्स के 8 चिल्ड्रन हुआ करते थे या उससे ज्यादा हुआ करते थे उन्हें गोल्ड क्रॉस दिया जाता था, ताकि सर एक अवार्डिंग सिस्टम चलाया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि सर अगर हम ज्यादा से ज्यादा रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रंस को बर्थ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अवार्ड मिलेगा। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. तो सर वो सभी महिलाएं जो इस आर्यन कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर जाया करती थी, मतलब सर ऐसे एक्शन लिया करती थी जो आर्यन रेस के अगेंस्ट में हुआ करते थे, तो सर उन्हें पब्लिकली पनिश किया जाता था, कंडमेंड किया जाता था, और साथ ही साथ उन्हें ऐसी एट्रोसिटीज से होकर गुजरना पड़ता था जो इनह्यूमन हुआ करती थी। अब हम आगे देखते हैं those who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town with shaved heads, black head faces and the place card hanging around their necks announcing I have sullied the honor of the nation. तो सर वो महिलाएं जो ज्यूज के साथ, पोल्स के साथ, रशियन के साथ कांटेक्ट में रहती थी, सर उन्हें टाउन्स के अंदर शेव्ड हेड, मतलब उनका जो सर होता था उसको शेव कर दिया जाता था, उनका जो फेस होता था उसको एकदम है ना यू काला कर दिया जाता था, साथ ही साथ उनके गले में है ना एक प्लेस कार्ड को लगाया जाता था, एक प्ले कार्ड को लगाया जाता था कि बताया जा सके कि सर इन्होंने क्या किया है, सर आई हैव सुलीड द हॉनर ऑफ द नेशन, कि इन्होंने पूरे नेशन का जो हॉनर है उसको मिट्टी में मिलाया है, मतलब उसे उन्होंने खत्म किया है, ऐसा नाजीज्म का मानना था, ये नाजीज्म की आइडियोलॉजीज थी। फिर हम आगे देखते हैं मैनी रिसीव जेल सेंटेंस एंड लॉस्ट सिविक हॉनर एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो सर कई जो महिलाएं थी उन्हें जेल सेंटेंसेस दिए जाते थे, उन्हें है ना सिविक ऑनर से निकाल दिया जाता था, साथ ही साथ जो उनके हस्बैंड्स होते थे, फैमिलीज होती थी, उनको भी पनिश किया जाता था, उन्हें क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंडर में लाया गया था। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे स्कोर्स वाले यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।